गाइस, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी DFCCIL के ऊपर, जो वैकेंसी आई थी जूनियर एक्सी एंड एक्सी की, यहाँ पे वैकेंसी आई थी। सो गाइस, जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी वो मेरी लास्ट वैकेंसी से जो सिलेबस था उसका एनालाइज वीडियो थी, लेकिन अभी आपको 2023 में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा सिलेबस में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक एग्जाम होता था, ओनली स्टेज वन एग्जाम होता था, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि स्टेज वन जो होगा, स्टेज वन वो आपका स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम होगा, यानी उसको आपको क्वालिफाइंग करना है, लेकिन उसमें आपको स्कोर भी बनाना है। स्कोर बनाओगे तो 1:20 के रेशियो में आपको स्टेज टू के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सिलेबस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। जो मेरा स्टेज टू के लिए अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप जो है मेरी उसी वीडियो पर जाके स्विच कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो, वो पूरा डिटेल्ड में मैंने बताया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे सिलेबस है वो थोड़ा आप समझ लेना, क्योंकि बिना समझे अगर आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो है मिसगाइड हो जाओगे, एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और एग्जाम का जो फीस स्ट्रक्चर है 1000 रुपीज है, बहुत महंगी फी है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, सभी पोस्ट के लिए जो होगा CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, जो CABT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो ओनली एक वैकेंसीज के लिए होगा, ओनली एक वैकेंसीज के लिए। उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। और दोनों ही एग्जाम में, यानी CBT 1 एंड CBT 2 में 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। गए गलत तो करने का चांसेस नहीं बनता, फिर भी आप जो है एक दो क्वेश्चन में तुक्के मार सकते हो, ठीक है। जो CBAT है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की जो वैकेंसीज आई है एग्जी की, उसका ये एग्जाम होगा, थर्ड एग्जाम जो होगा। बाकी यहाँ पे दो ही एग्जाम होंगे, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम टू, एग्जाम थ्री ओनली ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब CBT 1 के बारे में बात करेंगे। देखो, CBT 1 होगा आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो भी बेसिक नॉलेज है उससे रिलेटेड आपका एग्जाम होगा, और बेसिक नॉलेज ही आपके यहाँ पे चेक होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो पहले जो थे वो कम थे, अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। तो इन्होंने भी सोचा कि मतलब कई साल से ये वैकेंसी नहीं आई थी, तो अभी जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे वो नंबर ऑफ जो एक्सेप्टेशन है उससे ज़्यादा ही रहेंगे, तो क्यों ना हम CBT 1 भी डालें एंड CBT 2 भी डालें, ठीक है। 100 MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग जैसे बता दोनों में। लेकिन अगर आप CBT 2 के लिए स्विच करोगे तो जितनी वैकेंसीज है × 20, यानी एक वैकेंसीज के लिए 20 स्टूडेंट जो है CBT 2 के लिए अपेयर होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और दोनों ही एग्जाम CBT 1 एंड CBT 2 दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, जिस लैंग्वेज में आता उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। हम बात करेंगे CBT 1 के सिलेबस के ऊपर। देखो, मैथ और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, भाई इसको तो छोड़ना ही मत, 30 में से 28 क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि कुछ यहाँ पे वैकेंसी इंजीनियरिंग की है। कहीं ना कहीं जो सारी वैकेंसीज है ना, जिनके पास 12th में PCM सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वैकेंसीज है, भाई मैथ और रीजनिंग अपना सॉलिड रखना, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोर यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ये क्लियर वहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे इसका पार्ट भी, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन है, भाई इसको थोड़ा देख लेना, मना नहीं करूंगा देखने के लिए, थोड़ा देख लेना, एक साल का पढ़ लेना, इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन। जनरल साइंस की एक बुक्स आती है, वो बुक आप खरीद लेना और उसी बुक से यहाँ पे जो है 50-60% क्वेश्चन आएंगे, यानी 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जनरल साइंस बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, भाई ये रीजनिंग है, और जनरल इंटेलिजेंट 30 क्वेश्चन आएंगे, भाई ये 60 क्वेश्चन जो है ना आपके हाथ में है, आपका स्कोर आपके हाथ में है। अगर आप 60 में से 58 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ये जो दोनों है, दोनों जो पॉइंट है, ये मैथ से रिलेशन है दोनों का आपस में, और गाइस 58 क्वेश्चन आपके हैंड में है। जितनी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर देखो, जितना मैथ निकाल सकते हो निकालो, हंसते खेलते यहाँ पे मैथ निकल जाता है, ठीक है। रेलवे और DFCCIL की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, रेलवे की नॉलेज और DFCCIL की नॉलेज कोई बड़ा हवा नहीं है गाइज, यहाँ पे इंटरनेट पे आप विकिपीडिया पढ़ लो, एटलीस्ट 20-30% नॉलेज आपकी क्लियर हो जाएगी, किस किस ईयर में यहाँ पे क्या क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं वो आप देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। CBT 2 जो होगा 120 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, और CBT 2 के बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी,
बाकी सभी स्टूडेंट यानी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट को छोड़ के जो बाकी सभी वैकेंसी आई है उसका 100% वेटेज जो है वो सीबीटी 2 को रखा गया है। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो एग्जाम का वेटेज रखा गया है सीबीटी 2 का वो यहाँ पे 70% का वेटेज रखा गया है। जो 30% का वेटेज है वो यहाँ पे सीबीएटी के लिए रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आने हैं। ठीक है, यू आर AWS के लिए 40%, ST OBC के लिए 30%, ST के लिए 25%, यहाँ पे ये मार्क्स आपको लेके आने हैं। CBT जो आपका होगा यानी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का CABT आपका होगा, ये आपकी थर्ड स्टेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज। ठीक है, इसमें आपको T स्कोर 42 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ये भी आपका एग्जाम हिंदी इंग्लिश में होगा, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको मेरा सीबीटी 2 की वीडियो देखनी है, क्योंकि वीडियो को लंबा खींचने का कोई ज्यादा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, सीबीटी 2 की अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख लेना, और मैं वीडियो के एंडिंग में भी इसका लिंक लगा दूंगा, वो वीडियो देख लेना, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। गाइस फिर भी कोई डाउट है तो आप कर सकते हो।